स्टानो स्टार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय का भाग तीन, भाग दो और एक हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने 28 तक के जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज 28 से आगे के पढ़ने का प्रयास हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 29 नंबर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पूर्ण। तो इसको जो हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, प्रत्यय जो बनाते हैं इसका इस तरह से बनाते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमने पूर्वक पढ़ा था ना, बस इसी तरह से है, प और रैपर और इसमें न और इस न कौन लय भी पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा पूर्ण पूरा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ लेते हैं और लाइन पर काट कर बनाया है तो ऊ की मात्रा स्वयं लगा लेते हैं, तो पूरा भी हमारा इसी तरह से लिखे जाने वाला है। अब इससे बनने वाले जो है शब्दों को समझ लेते हैं। देखिए, हम इसको एक तरह से वो लिख सकते हैं इस तरह से, र र और र बनने हैं, तो रन रन पढ़ा जा रहा है तो इसको भी हम पूर्ण पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इससे शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि रहस्यपूर्ण, तो रहस्यपूर्ण लिखने के लिए देखिए रह बनाएंगे, रह में ही है को हम जब बड़ा कर देते हैं तो है लग जाता है, और यहाँ से ही हम ले जाएंगे स को रहस्य है, और यहाँ से यह बना लेंगे रहस्य है, और इसमें प और पर और इसमें न जोड़ देंगे तो पूर्ण का हमारा पूरा प्रत्यय लग जाएगा, तो रहस्यपूर्ण हमारा पूरा पढ़ा जाएगा। और रही बात मात्रा की, तो मात्रा इसमें पहली बात तो रहस्य में है नहीं, और यदि होती तो आप लगा भी सकते थे, अन्यथा मात्रा को लोप करने का नियम आपने पढ़ रखा है तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शशिपूर्ण, तो शशिपूर्ण लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए बनाना होगा स, श के बाद फिर एक और से आप बना लेंगे शशि, और पूर्ण का जो है हम प्रत्यय लगा लेंगे, जो कि हमने भी सीखा है, तो ये शशिपूर्ण आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तीसरे नंबर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ता, और ता का देखिए इस तरह से होता है, कुछ आपको दिख रहा होगा, लाइन के ऊपर बना सकते हैं तो आ की मात्रा स्वयं पढ़ी जा सकती है इस पर, तो ता इस तरह से तय को बनाएंगे, ता हमारा पढ़ जाएगा, ते और ती भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो हम बाकी के अनुसार जो है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कटुता, तो कटुता लिखने के लिए देखिए कै बनाएंगे, टय बनाएंगे, और यहाँ पर तय बना देंगे, तो ता तय को हम ता पढ़ लेते हैं, ये हमने प्रत्यय में भी सीखा है। ठीक है, तो हमारा कटुता पूरा पढ़ा कै टय तय, तय पा की मात्रा, कै पर टय तब ऊ की मात्रा हम स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइन पर बनाने वाले व्यंजन में हम ऊ की और ए की ओ की ई की मात्रा स्वयं पढ़ ली जाती हैं। स्वर लोप करने के नियम आपने पढ़ रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, और भाग जो प्रत्यय के भाग वन भाग दो जो हमने करा रखे हैं उसमें भी बड़े अच्छे से समझाया है कि मात्रा कैसे लुप्त की जाती हैं। ठीक है, और यदि आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कटुता पर ऊ की मात्रा टय पर लगा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मृदुलता, तो मृदुलता लिखने के लिए मैं मृ मृद उदय में फिर ले, यहाँ पर ही हम इंक्लूड कर लेंगे मृदुल और तय बना लेंगे। ठीक है, तो अब इस तय को हम ता पढ़ लेते हैं, आपको पता है, तो मृदुलता आपका है पूरा, मैं मेरा मृद द पर ऊ की मात्रा आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, अन्यथा सेंस के अकॉर्डिंग मृदुलता नहीं होता, मृदुलता होता है, स्वयं उठा सकते हैं जब आपको ये वाक्य में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मृदुलता आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं मित्रता कैसे लिखा जाएगा, तो मित्रता लिखने के लिए मैं बनाएंगे और इसमें ही तय में रह जोड़ देंगे मित्रत और तय और ता पा की मात्रा, तो ये आपका मित्रता पढ़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुशलता, तो कुशलता लिखने के लिए देखिए क्या करना होगा, क्या बनाएंगे स बनाएंगे, स में लय कुशल, और यहाँ पर ता का हम प्रत्यय लगा देंगे जो कि हमने अभी सीखा है, तो कुशलता हमारा हो जाएगा। और रही बात क्या ऊ की मात्रा की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइन के नीचे से बनाया है क्या, तो पहले व्यंजन पर ऊ की और ई की मात्रा स्वयं लग जाएगी दोस्तों, तो कुशलता हमारा ये पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूपी, तो रूपी का जो होता है रे को लाइन पर काट कर इस तरह से यदि हम बनाते हैं, जैसे कि और का हमारे पास शब्द चिन्ह जो है था, तो इस तरह से यदि बनाते हैं तो रूपी भी हमारा पढ़ा जाता है, लाइन को काट कर यहाँ पर दिखाया गया है, लाइन को काट कर लिखना है विद्या रूपी, तो हम देखें कैसे लिख सकते हैं विद्या रूपी को, तो उसके लिए हमें क्या होगा, बै का इस तरह से हम लगा लेते हैं, बै का क्या है आंकड़ा हमने सीखा था, ठीक है, और ध को इस तरह से, अब आप चाहें तो इसमें इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से रा से इसे काट देंगे तो ये हमारा रूपी पढ़ा जाएगा, तो विद्या रूपी हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आप इसमें जोड़ कर लिखेंगे ना तो आपको उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको सिर्फ रह ही पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप काट कर भी लिख सकते हैं, इसने ये बात कही थी, यदि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साइड में ऊपर नीचे या काट कर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसने स्पेशली कहा है कि काट कर जो है लिखा जाना चाहिए, तो काट कर लिखने में आपको ये फ़ायदा होने वाला है, यदि मान लीजिए आप इसको यहाँ पर जोड़ लेते तो यहाँ उठाने में आपको प्रॉब्लम होती, जो कि काट कर लिखने में आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सागर, तो सागर का जो होता है स इस तरह से और ग इस तरह से, तो सागर का हमारा पूरा प्रत्यय होता है, इसको आपको याद कर लेना होगा, और आप इसको इस तरह से करें तो और जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि देखें स और ग में ही हमारा रह जुड़ जाता है, जब हम उल्टा करके बनाते हैं तो इस तरह से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वाले में जोड़ने में परेशानी आएगी लास्ट में, तो आप इसको ज़रा याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी से शब्द बना है विद्यासागर, तो विद्यासागर लिखने के लिए देखिए बै का हम आंकड़ा लगाएंगे किसमें,
धम या दम है, ठीक है। तो विद्या और सागर का हम यहाँ पर प्रत्यय लगा देंगे, तो हमारा विद्या सागर पूरा, क्योंकि इस वाले बै को हम बै और बी भी पढ़ लेते हैं, तो बी ध्य धा की मात्रा भी आप लगा सकते हैं, विद्या या दा दा से भी उठा सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं, तो विद्या सागर हमारा पूरा जो है हो जाएगा। आ की यह की मात्रा जो है लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं, वो सब कुछ आपको पता है, और यदि आप परेशान हो रहे हैं तो लगा भी सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है दया सागर, तो दया सागर लिखने के लिए देखिए दया बनाएंगे, ये बनाएंगे और सागर का हम प्रत्यय इस तरह से लगा देंगे, तो ये लास्ट में जो स और ग हमारा लगा है, तो सागर का प्रत्यय पूरा हमारा लगाया है, तो हम इसको दया सागर पढ़ लेंगे। बड़ा ही सिंपल था ये, यहाँ पर या की मात्रा यदि आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, दया सागर पूरा आपका लिखा गया। दोस्तों आगे देखते हैं गुण सागर, तो गुण सागर लिखने के लिए देखेंगे यहाँ पर ग बनाएंगे फिर न बनाएंगे और न के बाद सागर का जो है हम प्रत्यय पीछे जोड़ देंगे स और ग, तो गुण सागर हमारा पढ़ा जाएगा। और मात्रा यदि आप लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा भी सकते हैं गैप ओके गुण सागर, अन्यथा मात्रा ये देखिए लाइन के ऊपर है तो ए की और आ की लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने ऊपर बनाया गया है तब भी यहाँ पर ओ की मात्रा की आवाज़ आई थी, तो कहीं ना कहीं ये लाइन को काट कर बनना चाहिए था, तो इस तरह से भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिए लाइन के ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए, कहीं भी बनाइए, मात्राओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्राओं को लुप्त करना आप हटाना सीख जाइए बस, ठीक है। क्योंकि जब आपको किसी सेंटेंस में वाक्य मिलेगा ना, तो आपने कहीं भी बना रखा हो और मात्रा हटानी आप आती है आपको आती है, तो देखिए गण सागर पढ़ेंगे हम इसको, तो गण सागर से हम जब इसको वाक्य में पढ़ेंगे तो गुण सागर खुद पढ़ सकते हैं, गुण सागर और गुण को रुड़ाया पढ़ लेंगे तो गुण सागर, तो इस तरह से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज़्यादा ही परेशानी आ रही है तो मात्रा लगा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। साथियों 32 नंबर में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है सार, तो सार का जो प्रत्यय होता है इस तरह से कोई लाइन के ऊपर स और र को हम इस तरह से बनाते हैं, तो सार का प्रत्यय हमारा पूरा पढ़ा जाता है, बस लाइन के ऊपर है तो आके मात्रा इसमें स्वयं लगी, सर सर हमारा लिखा हुआ ही है, तो सार हमारा कम्प्लीटली लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद भी कर सकते हैं आप इसको, बना बना कर देखिए, कहीं कहीं बार लिख कर देखिए, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ से इसी से शब्द बना है मिलन सार, तो मिलन सार लिखने के लिए मैं बनाएंगे ले बनाएंगे और सार का जो हमने प्रत्यय सीखा वो हम सबसे लास्ट में लगा देंगे। अब ये लिखा हुआ है मलन सार और इसको लाइन को काट कर बनाया गया है, मैं को आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइन ऊपर है और इसके नीचे बना हुआ है, तो मैं पे ई की मात्रा हम स्वयं पढ़ सकते हैं या ऊ की भी, तो ई की पढ़ेंगे, यहाँ मुलन सार नहीं होता, मिलन होता तो मी ल न, ठीक है। और यहाँ पर ही हमारा जो है न भी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि जब हम इसमें न जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ लेते हैं ना, तो मिलन सार हमारा पूरा पढ़ा जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अतिसार, तो अतिसार लिखने के लिए तय बनाएंगे और स में को र हम इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। देखिए र का हम दूसरे वाला प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर स र इस वाले का क्या था, यहाँ पर हमने इस वाले र का प्रयोग कर लिया दूसरे तरीके वाले का, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। वो तय आपका ये रहा, सार आपका ये रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो तसर यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सार पढ़ते हैं तो तसार हो गया, और एक ही मात्रा हम स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अतिसार होता है, तसर अतसर कुछ ऐसा नहीं होता है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए 34 नंबर को समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पति, तो पति का जो होता है लाइन को काट कर पै और तय का इस तरह से पै और पै में तय का हम जो है आंकड़ा लगा देते हैं, तो पति पढ़ा जाता है, ठीक है। लाइन को काट के है तो एक ही मात्रा हम स्वयं पढ़ सकते हैं, आपको पता ही है, तो पति ये पूरा ही लिखा हुआ है। अब चलते हैं इससे जो है शब्द बनाकर देखते हैं, देखिए ये भी जो है काट कर लिखा जाएगा, इसने कहा है, लेकिन देखिए अब मैंने आपको ऊपर बताया था जब दूसरे इन्होंने यहाँ पर रूपी सिखाया था कि काट कर लिखा जाना है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा काट कर, लेकिन फिर भी जोड़ रखा है, तो उसको भी हम जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काट कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गणपति, तो गणपति लिखने के लिए गै बनाएंगे न बनाएंगे और पति का जो है प्रत्यय इस तरह से, सॉरी यहाँ गलत हो गया, तो इस तरह से हम पति का प्रत्यय इसमें लगा देंगे, तो गणपति हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गण और पैदपत यानी कि पति, तो गणपत नहीं गणपत, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग है तो गणपत भी, गणपत या गणपत भी पढ़ सकते हैं, गणपति या गणपति भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि नया गोड़ा भी पढ़ लेते हैं, तो वो आपको सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, मात्रा लगा भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जदुपति, तो जदुपति लिखने के लिए जय बनाएंगे दय बनाएंगे और पति से हम इसको काट देंगे, तो जदुपति हमारा पूरा पढ़ जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यदि यहाँ पर सही नहीं लग रहा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जय दय अध्याप ऊ की मात्रा हम स्वयं पढ़ लेंगे, क्योंकि पहला व्यंजन जो है लाइन को काट कर बनाया गया है, तो ऊ की मात्रा हम स्वयं पढ़ सकते हैं, तो जदुपति हमारा ये कंप्लीट पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों 36 नंबर में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है खाना, ठीक है। तो खाने का जो प्रत्यय होता है हमारा, देखिए इस तरह से ख को हम पहले काट लेते हैं जब बनाते हैं, तो ख और न, और जब हमें पता है लाइन से ऊपर बनाते हैं तो आखिरी मात्रा स्वयं लग जाती है, तो खाना भी हमारा जो प्रत्यय है यहाँ पर पूरा ही खाना जिस तरह से यदि हमें लिखना होता उसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे शब्द को अब जो है हम बनाना सीख लेंगे, तो
काट कर लिखना है ये भी दिख रहा होगा आपको, और बिना काट कर भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुसलखाना, तो गुसलखाना लिखने के लिए देखें गै बनाएंगे, गै में ही स का हम वृत्त लगा देंगे और लय कुशल। अब यहाँ से चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, खाना इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप गै स लघुसल और खाना इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको पहले से यहाँ से कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप इस वाले डंडे को पहले से नहीं काटते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसने यहाँ पर आया तो ये बीच में से वैसे ही कट गया, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी तरीके होते हैं, कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो गुसल खाना आपका ये पूरा पढ़ा जाएगा, क्योंकि खाना के प्रत्यय से हमने गुसल को काट दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कूड़ा खाना, तो कूड़ा खाना के लिए कै और रह, ठीक है, और इसको पीछे से काट दिया तो लय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर खै को इस तरह से काट दें तो क्या हो गया, ये हमारा कूड़ा खाना। अब आप चाहें तो इस बारे रह को नहीं काटते, तब भी आपने जब इससे इसको काटा तो यहाँ कट गया बीच में, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे कि ये लय भी हो सकता है, और रह को हम वैसे भी लय पढ़ लेते हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते थे। तो कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कूड़ा खाना हो गया। और रही बात क्या ऊ की मात्रा की, तो ये आपको दिख रहा होगा लाइन पर काट कर बनाया गया है नीचे लाइन के, तो पहला अक्षर कै पे ऊ की मात्रा और ई की मात्रा हम सुम पढ़ लेते हैं, और कोई परेशानी है तो ऊ की मात्रा आप लगा भी सकते हैं कूड़ा खाना। ठीक है, तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं और 37 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको 37 नंबर में दिख रहा होगा लिखा हुआ है प्रद, ठीक है, प्र द प्रद। अब देखिए प में र है, और प को हमने छोटा कर दिया और डार्क कर दिया, तो इसमें द भी इस तरह से जुड़ सकता है। ठीक है, तो और वैसे भी यदि हम छोटा करते हैं तो तीन चीज़ जोड़ते हैं ना, तो उसमें द को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, चार मान लीजिए। तो कई तरीके से आप जैसा आप समझ सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रद हो गया, और प्रद का जो प्रत्यय है ये आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब इससे जो शब्द बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि संतोष प्रद, तो स और न। देखिए, यदि हम मात्रा यहाँ पर लगी हुई है तो मात्रा लगाकर भी अंका बिंदा पढ़ सकते हैं, अन्यथा स को जब हम छोटा व्रत स के व्रत से थोड़ा छोटा व्रत हम बनाते हैं, जैसे कि ये रहा इससे छोटा बनाए, स का व्रत ये रहा, स्वय का ये रहा, और इससे छोटा हम ये बनाए सबसे छोटा, तो सन और सम हम स्वयं पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। तो स न यहाँ पे ही हो गया, ओहो ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे स न। ठीक है, और फिर यहाँ पर स ओ प्र द प्रद, यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है पेन की वजह से, स स ओ प्रद हमारा ये यहाँ पर क्या लग गया, प्रत्यय लग गया प्रद का। तो संतोष यहाँ पर ये जो मात्रा है अंके विंदे के लिए पढ़ी जाती है, तो आप लगा भी सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि संतोष प्रद नहीं होता, संतोष प्रद होता है। तो प्रद का यहाँ पर प्रत्यय लग गया, और ओ की मात्रा आप चाहें तो पे तो लगा भी सकते हैं, अन्यथा लाइन पर बनाया गया है पहला व्यंजन, तो ओ की और ए की मात्रा स्वयं पढ़ी जाती है, तो संतोष प्रद आपका ये हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आशाप्रद, तो आशाप्रद लिखने के लिए श बनाएंगे। ठीक है, बस सिंपली स बनाएंगे और प्रद का हम प्रत्यय लगा देंगे, तो आशाप्रद हमारा ये यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इस तरह से प्रद हमारा ये हो जाएगा, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अब देखिए पहला व्यंजन स जो है लाइन के ऊपर है, तो आ की मात्रा स्वयं लग गई, ए की और आ की, तो आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो लगा भी सकते हैं, आशाप्रद आपका ये पूरा पढ़ जाएगा, प्रद का प्रत्यय जो है हमने पीछे लगा दिया है। चलिए 38 नंबर को समझ लेते हैं, लिखा हुआ है नामा, तो देखिए लाइन के ऊपर यदि ना को बनाते हैं तो आगे मात्रा वैसे भी स्वयं पढ़ी जाती हैं, तो नामा हम इसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ की जो कंडीशन है नहीं हो रही, तो ये आप याद कर सकते हैं कि इसको हम न को यदि बढ़ा, थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, लेकिन आप इस तरह से यदि बनाते हैं तो क्या होगा, उसमें हम उसको नामा पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखिए काट कर लिखा जाएगा ये भी, ये बता रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हलफनामा, तो हलफनामा लिखने के लिए देखिए है बनाएंगे, लय बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर पता नहीं आज क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ, तो है और लय बनाएंगे, और यहाँ पे ही हम है को इस तरह से नीचे से काट देंगे तो हलप, और न से हम इसको काट देंगे तो नामा पढ़ा जाता है, तो हलप नामा हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बै नामा, तो देखिए बै और य को हम इस तरह से बना देंगे और न से इसको काट देंगे तो बै नामा हमारा हो जाएगा, क्योंकि न से काटने के बाद नामा हमारा जुड़ गया है दोस्तों, तो बैनामा हो जाएगा। देखते हैं इकरार नामा कैसे लिखा जाएगा, तो कै और दो बार रह रहे हम इस तरह से बना देंगे और इसको न से काट देंगे, तो ई ई की मात्रा भी आप लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन को काट कर बनाया गया है पहला शब्द आपको दिख रहा है यहाँ, तो ई की और ऊ की मात्रा हमारी स्वयं पड़ जाती है, तो इकरार हमारा हो जाएगा, इक रह दो बार है तो इकरार, और नामा से हमने इसको काटे तो इकरार नामा हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साजी, तो देखिए साजी का सब चिन्ह भी पूरा ही है स और स, और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो हमारा क्या ई की मात्रा लग जाती है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा स इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ई की मात्रा, अब लाइन के ऊपर बनाया गया है स, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, टच भी है लाइन के ऊपर ही है,
और यदि ये लाइन के ऊपर नहीं भी होता तो वक्र रेखा का है तो एक ही रो की मात्रा भी हम स्वयं पढ़ सकते हैं। तो सा और देखें इस वाले सा को फिर हम जय पढ़ लेंगे और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ई की मात्रा पढ़ लेते हैं, तो पूरा ही लिखा हुआ है प्रत्यय। ठीक है, अब समझते हैं इससे कोई शब्द बनाना है, जैसे कि जाल साजी, तो यहाँ पर जाल लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, जय बनाएंगे और जय में ही ल हम इस तरह से जोड़ देंगे और साजी का प्रत्यय लग गया है इसमें ऑलरेडी, तो जाल साजी आपको इस तरह से नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, आपको पूरा ही लिखना है तो मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया है, तो जाल साजी हो जाएगा और जा पा की मात्रा लगा सकते हैं, अन्यथा तो पहला व्यंजन बनाया है आपने लाइन के ऊपर है या लाइन पर भी है तो आप खुद अब कर सकते हैं। ठीक है, जो है एडजस्ट को कर सकते हैं, समझने का प्रयास अब कीजिए आप। ठीक है, तो जाल साजी आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आज का जो है प्रत्यय, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। यहाँ पर है वादी, तो वादी का जो होता है इस तरह से वह होता है, थोड़ा डार्क है तो दय हमारा जुड़ गया, जैसे कि ये थोड़ा डार्क था ना, छोटा होकर डार्क हो जाता है तो उसमें दय जुड़ जाता है, हमने रूल पढ़ा था। तो उसी तरह से यदि वा को हम थोड़ा डार्क कर देंगे और उसकी कुल लंबाई से आधा कर देंगे तो हमारा दय जुड़ जाता है, तो बद हो जाएगा ये, और बद को हम जो है वादी पढ़ लेंगे, लाइन के ऊपर बनाएंगे तो इसमें आगे मात्रा स्वयं लग जाएगी यहाँ पर लाइन पर ये शायद, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ऊपर बनाइए तो और थोड़ा सुविधा हो जाती है। लेकिन यहाँ समझिए, प्रत्यय को लाइन के ऊपर और नीचे बनाने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी शब्द में जोड़ेंगे तो वो उसका पहला व्यंजन तो आप लाइन में बना सकते हैं, ये पता नहीं आपको लास्ट में कहाँ पर जाके जोड़ना पड़े, तो इस वजह से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आगे इसी से शब्द बना हुआ था कि इसको बाद भी पढ़ सकते हैं और वादी भी, दोनों चीज़। ठीक है, मेरी राय में तो इसको वादे भी पढ़ सकते हैं कि मात्रा लगा दीजिए जल्दी समझने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी हम कैसे लिखेंगे, तो रे बनाएंगे, रे में ही स और स में ही ट, और राष्ट्र और वाद के शब्द चिन्ह से या वादी के शब्द चिन्ह से हम इसको प्रत्यय को जो है लगा देंगे या काट देंगे, तो राष्ट्रवादी पढ़ सकते हैं इसको या राष्ट्रवाद भी हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वाद भी पढ़ सकते हैं और वादी भी। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अगला समझते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों साम्राज्यवादी, तो साम्राज्यवादी लिखने के लिए देखिए स बनाएंगे, मैं बनाएंगे। ठीक है, स मैं और र बना देंगे, सम्र और जय, साम्राज्य, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें वादी कर देंगे, आज पेन ने खून पी रखा है, पता नहीं चल नहीं रहा है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और सम्रा और जय, और यहाँ से हम वाद से इसको काट देंगे, वाद मान लीजिए इसको प्रत्यय को या वादी, तो जी तो साम्राज्यवाद भी पढ़ सकते हैं, साम्राज्यवादी भी पढ़ सकते हैं, और यदि वादे करना हो तो एक ही मात्रा लगा लीजिए, ये मेरा रूल है। ठीक है, वादी आप चाहें एक ही मात्रा भी समझने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्यय तो आप याद कर लीजिए, लिख कर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हो रहा है। देखिए वह और इसको छोटा कर देते वाद, अब देखिए ये बद या पदा हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये लाइन के ऊपर है तो हम आके मात्रा स्वयं लगा लेंगे, तो बाद ही कम्प्लीटली हमारा पढ़ा जा रहा है, तो बाद या वाद ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में, तो देखिए स मैं सम और र समर, ठीक है, और जय साम्राज्यवादी या वाद साम्राज्यवाद, अब यह को जो है हम खा जाते हैं, अब यह को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है कहीं भी, यह को हम स्वयं पढ़ लेते हैं, साम्राज्यवाद नहीं होता, यह साम्राज्य, जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं ना साम्राज्यवादी, तो साम्राज्यवादी स्वयं निकल जाता है हमारे मुंह से, तो इस तरह से हम जब इसको वाक्य में करेंगे तो स्वयं कर सकते हैं, यह लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके आज का टॉपिक समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें कि वीडियो आपकी कैसी लग रही है, सॉरी हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाए रहना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथियों जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।